एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिंग से कुरान। सो गाइस, आपका अब एक हफ्ता रह जाता है एग्जाम के लिए एंड आई होप आपकी तैयारियां अच्छी चल रही हो। हम लोग आपके साथ जो सीरीज लेके आ रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि आप कंसाइज फॉर्म में एक अच्छे रिविजन लेक्चर्स आपके साथ करते रहे। हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है, आप BLW को जो रिविजन लेक्चर्स है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो भी आराम से देख सकते हैं। उस पर यू विल फाइंड ऑल सच सीरीज। सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाके यू विल फाइंड, यहाँ पे आप जब एक उड़ान टाइप करेंगे यू विल फाइंड हमारे जो सीरीज चल रही है बैक टू बैक उसके रिलेटेड। GS ओरिएंटेड मैथ्स आपका चल रहा है, इंग्लिश की चल रही है। आज मैं आपके साथ करंट अफेयर्स की सीरीज़ ये स्टार्ट कर रही हूँ। ये करंट अफेयर्स की इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया में जो करंट अफेयर्स के हुए हैं, थोड़ा एंड ऑफ 22 प्लस इस साल के हमने काफ़ी मंथ्स के रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ऑफ कोर्स हम इस हफ्ते एक दो ओल्ड की सीरीज करेंगे सो दैट आपके लिए एक रिविजन हो जाए, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन का यू बी कॉन्फिडेंट कि इसके रिलेटेड क्या है। वेयर वॉज द वेन्यू ऑफ G20 सबमिट ऑफ 2020 हेल्ड इन इंडिया। नाउ G20 सबमिट के रिलेटेड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये बहुत बड़ा और एक ओकेजन था इंडिया के लिए टू होल्ड G20 सबमिट। ये न्यू दिल्ली में, एज एवरीवन नोज, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था सितंबर फर्स्ट वीक में। यहाँ पे 20 नेशंस थे। ऑफकोर्स इसमें आप ये भी ऐड कर लिए कि कैसे यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन वाज आल्सो एडेड इन द ग्रुप। ओके, इस ग्रुप में ऐड हो गया तब ये G21 बन चुका है। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा ये। ये कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम, जियो प्लाजा, हैदराबाद हाउस या साबरमती आश्रम। द करेक्ट आंसर हेयर ऑफ कोर्स इज भारत मंडपन। ये मंडपन, ये आपका जो प्रगति मैदान जो दिल्ली में आप देखते हैं वहाँ पे ये बना हुआ है। बहुत सही अमेजिंग ये इसका इंटीरियर रिलेटेड था। यहाँ पे एक नटराज स्टैचू भी इनफैक्ट इंस्टॉल किया गया है, जो बोलते हैं एक वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। सो यू नो, इस इवेंट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम के रिलेटेड जो हम बात करते हैं, ये थीम था तो इंडिया इस पे बहुत फोकस करती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कौन सी सिटी जो फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल अनाउंस की गई है? गांधीनगर, वाराणसी, कोची या कोलकाता? द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है। ये एक्चुअली एक इनका रोटेटिंग सिस्टम रहता है यहाँ पे। सो न्यू रोटेटिंग सिस्टम में अंडर द 2022-23 में यहाँ पे इनिशिएट में कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल वाराणसी को डिक्लेयर किया गया था। हर साल एक सिटी को उसकी जो कल्चरल हेरिटेज की इम्पोर्टेंस है मेंबर कंट्री की, उसमें उसको प्रोमिनेंस हाईलाइट दी जाती है। इस साल का एक और इसमें इम्पोर्टेंट बन जाता है, इस साल का आपका SCO का सबमिट उज़्बेकिस्तान, जो आपका सेंट्रल एशिया में आता है, वहाँ पे इसका सबमिट हुआ था। सो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आपकी आ जाती है? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, क्रिकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। द क्रीवैक, सर्वैक वैक्सीन हैज़ बीन लॉन्च टू डील विद विच कैंसर? ये इंडिया में लॉन्च हुई है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लिम्फोमा या ल्यूकेमिया? द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, सर्वाइकल कैंसर। ये इंडिया में जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये सितंबर 22 में ये लॉन्च की थी। एंड ऑफ कोर्स इसकी दो बोलते हैं कि इट विल बी कॉस्ट अराउंड 200 या 400 के करीब पर डोज के रिलेटेड। ये बहुत ही, सर्वाइकल कैंसर ये इंडिया रैंक करता है नंबर 2 पे इन सर्वाइकल कैंसर, और बहुत डेथ्स भी इसके रिलेटेड रहती हैं, स्पेशली वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन में बहुत ही डायग्नोज होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन विच स्टेट विल द नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ट? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इसमें से क्या है आपका? द करेक्ट आंसर हेयर इज गुजरात। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये बिल्ड किया है। अब ये भी आपको पता चलना चाहिए मिनिस्ट्री कौन सी है। कहाँ पे? एट द हिस्टोरिक इंडस वैली,
जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रीजन है लोथल, हमने बड़ी बार ये हिस्ट्री एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा है, लोथल कहाँ आता है, गुजरात में, वहाँ पे ये बना गया है। इसका कॉस्ट ऑफ कोर्स है 3500 करोड़ रुपीज़, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्लेक्स है। ये इंडिया के रिच डाइवर्स मैरिटाइम हेरिटेज को दिखाएगा। ऑफ कोर्स हमारा जो हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, इट गोज़ बैक टू सेंचुरीज, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आपका बन जाता है। विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? अगेन आसियान रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि 30 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी इस साल, 21, 22, 23, 24। द करेक्ट आंसर हेयर इज 22, दैट मीन्स डी, आसियान इंडिया फ्रेंडशिप है, और यहाँ पे 30 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप को यहाँ पे वी आर सेलिब्रेटिंग। ऑफकोर्स कुछ इवेंट्स हुए थे यहाँ पे, डेलीगेशन ने सिंगापुर, कंबोडिया, वहाँ पे मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम भी इसके रिलेटेड किया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, इंडिया आसियान फ्रेंडशिप है, या कभी आपसे आसियान का फुल फॉर्म पूछ लिया, या कभी आपसे पूछ लिया ये कब फॉर्म हुआ था। इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट उनानी मेडिसिन सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड? नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, कुछ वहाँ पे इम्पॉर्टेंट कोई इनॉग्रेशन होती है तो फर्स्ट ऑफिस साइन होती है, तो उसका क्वेश्चन भी बन जाता है। आप कभी नोट करिए, एयरपोर्ट्स ओरिएंटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, या कौन सा जिसको कहते हैं इको फ्रेंड या ग्रीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, असम, गुजरात, द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज असम आपका। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज जो है सर्बानंद सोनोवाल, ये आपके ऑफकोर्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भी है। यहाँ पे इन लोगों ने इसको इनॉग्रेट किया था। देखिए हमारा यहाँ पे जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उस पर बहुत एम्फोसिस किया जाता है। ये इसको उनानी टिब भी कहा जाता है, ये अरबिक मेडिसिन या इस्लामिक मेडिसिन से भी ट्रेडिशनल हीलिंग इसको कहते हैं, काफ़ी साउथ एशिया में ऑब्जर्व की जाती है। ऑल सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनके रिलेटेड आ जाते हैं, क्रॉनिक एलिमेंट्स के रिलेटेड, जैसे स्किन, लिवर, आपका इम्यूनोलॉजिकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ये सब उसके रिलेटेड होता है, डील किया जाता है। विच कंपनी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोग्राम शी फीड्स द वर्ल्ड? ये बहुत वुमेन सेंट्रिक जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के रिलेटेड, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अमेजोन, स्पेसएक्स, मेटा या पेप्सिको? द करेक्ट हेयर इज पेप्सिको। पेप्सिको का जो पेप्सी है उसका पेप्सिको का फिलान्थ्रोपिक जो आर्म है, पेप्सिको एंड केयर, उन्होंने लॉन्च किया है शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। ऑफकोर्स द फोकस यहाँ कौन है? स्मॉल स्केल वुमेन प्रोड्यूसर्स या एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम कहते हैं, सो दैट एक सस्टेनेबल ट्रेनिंग और इकोनॉमिक सपोर्ट उस पर हम फोकस करें। ये आपके वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ पे अभी ये फोकस करे हैं, जैसे अलीपुरदूर या कूच बिहार, बहुत फेमस जगह है ये, जहाँ पे दे आर मेकिंग श्योर टू रीच आउट टू ऑलमोस्ट 48,000। ऑफकोर्स मैन भी कुछ इन्वॉल्व होंगे, बट वो ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक है, और बेनिफिट ये कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों को करेगा। ये वुमेन फार्मर्स, उनकी फैमिलीज, जितने भी है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, उनके इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के रिलेटेड रहता है। विद विच कंपनी हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च डिजिटल सुरक्षा कैंपेन? मेटा, विप्रो, अडानी, रिलायंस? ये इम्पॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये एक लॉन्च हुआ है विद हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री हमारी। द करेक्ट आंसर हेयर इज मेटा। मेटा है आपका जो पहले हम उसको फेसबुक कहते थे, उसको मेटा बोलते हैं। उनने ये यूज़ किया था। ऑफकोर्स हमारा जब ये G20 के रिलेटेड, गाइस G20 के रिलेटेड सिर्फ मीटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी उससे पहले कुछ मीटिंग हुई थी ऑल ओवर इंडिया में, आपको याद होगा कश्मीर में भी उसकी मीटिंग हुई थी, नॉर्थ ईस्ट में भी उसकी मीटिंग हुई थी। सो ये पार्टनरशिप की गई थी फॉर द G20 सेफ ऑनलाइन कैंपेन के रिलेटेड। इसमें ऑफ कोर्स दे वे फोकसिंग कि कुछ ऐसा क्रिएट करें, हेल्पफुल रिसोर्सेज बनाए, जहाँ पे ऑफ कोर्स थ्रू मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पे भी फोकस कर रहे थे चैनल्स के, और
इसमें इनका हैश टैग था, ऑफकोर्स अगर ऑनलाइन है तो हैश टैग के बिना हम कैसे रह सकते हैं, इट वॉज हैश टैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन टू, कंपनी का एफर्ट था कि सेफ और इंक्लूसिव इंटरनेट ये सबके लिए बनाएं। देयर वॉज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन 2023, ऋषिकेश, वाराणसी, उधमपुर, महाबलेश्वर। द करेक्ट आंसर हियर इज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 की बात हो रही है ऋषिकेश। ओके, ये मार्च 23 में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये काफ़ी ये एक हफ्ता कम से कम चला था। ये मेन अट्रैक्शन था भारत पर्व, भारत पर्व। ओके, इसमें ऑफकोर्स सिर्फ योगा के लिए तो नहीं आए थे, ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल था, तो दैट मीन्स रिच हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स नेचुरल वंडर्स ऑफ द स्टेट, उसके रिलेटेड डिस्कशन हो, बात हो, उसके रिलेटेड ये हुआ था। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी सेशंस हुए थे, योगा स्कूल्स में हुए थे, ईशा फाउंडेशन के थ्रू हुए थे, उत्तराखंड में, और तो उत्तराखंड की रिच लेगेसी के रिलेटेड हुआ था, ये होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वे के रिलेटेड किया था, तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन। द नारी अदालत विल बी एस्टेब्लिश एट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपका जुडिशरी के रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट आ जाता है, एक वुमेन सेंटर्ड भी आ जाता है, नारी वुमेन ओरिएंटेड अदालत कोर्ट, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, विलेज लेवल, ये ऑल ऑफ दी अबव। द करेक्ट हियर इज विलेज लेवल। ओके, ये एक इनिशिएटिव है, इसमें वुमेन ओनली कोर्ट एस्टेब्लिश होंगी विलेज लेवल पे। विलेज को क्यों टारगेट किया गया है, क्योंकि आज के टाइम में भी अगर हम जस्टिस सिस्टम की बात करें तो विलेज ओरिएंटेड हमें पता है कि बहुत कम वुमेन सेंट्रिक, जैसे वुमेन बहुत कम निकलेंगे अपना जस्टिस सीक करने के लिए, और इसमें डिस्प्यूट कौन कौन से वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑफकोर्स डोमेस्टिक वायलेंस या प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड हो, या ऑफकोर्स व्हेन वी चैलेंज द होल पैट्रियार्कल सिस्टम। ओके, ये एक रेजोल्यूशन है ट्रेडिशनल जुडिशियल मेथड से थोड़ा डिफरेंट करके, इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ ADR। व्हाट इज़ ADR? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट क्या होता है, बिसाइड्स गोइंग टू कोर्ट, उसके अलावा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आ जाता है इसमें। इसमें दैट मीन्स पार्टीज को अलग से बिठा के डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाता है, उसमें कभी आर्बिट्रेशन आता है, कंसिलिएशन आता है, मीडिएशन भी आता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन MP फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। फैंगोंग कोन्याक, काबुन नेली, अगाता संगमा या प्रतिमा बोमिक। अब इसका आंसर क्या है राज्यसभा के रिलेटेड, द ए इज द करेक्ट आंसर, ये एक BJP की MP है। ओके, इनने प्रिसाइड भी किया है राज्यसभा को, सो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्टेड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरला, गुजरात। द करेक्ट आंसर हियर इज आपका गुजरात, जिसको कहते हैं काकरापुर। तो ये भी आपसे शायद पूछ ले कि काकरापुर न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी कहाँ पे बनी है, सो यू विल मार्क गुजरात, वहाँ पे बनी है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था जुलाई में, और ऑलमोस्ट अगस्त एंड तक इसमें काफ़ी ऑपरेशनल बन चुका है ये प्लांट। ओके, सो गाइस ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, एक वीक बचा है, विल कम बैक विद मोर सच करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन, JN के रिलेटेड भी आएंगे। टिल देन इसको देखते रहिए एंड कीप ऑन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।